नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी हैंग का करने का इशू है और आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है या आपका फ़ोन जल्दी हीट हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप इस इशू को कैसे रिजोल्व करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, मास्टर सुपर क्लीनर, ये आप देख रहे हैं सीपीयू कूलर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको ये ऐप नहीं मिलता तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इस ऐप का, और उसके बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस सारा आ जाता है। आप देख रहे हैं ये सारे हमारे यही टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने फ़ोन को फास्ट और कूल और स्पीड अप बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला टूल देख लेते हैं हम। सबसे पहला टूल हमारा है जंक फाइल। दोस्तों, आपके फ़ोन में जंक फाइल बनने से भी आपका फ़ोन बहुत हैंग करने लग जाता है, तो सबसे पहले इस जंक फाइल पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये परमिशन मांगेगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे आपको नीचे शो कर रहा होगा, आपको यहाँ पे जाके आपको इस ऐप को गारंटी कर देना है, परमिशन अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे ये आपके फ़ोन की सारी कैसे फाइल ये देख सकते हैं आप। फ़ोन के आपके सारी कैसे फाइल ये देखिए सारा कैलकुलेट कर रहा है, और कैलकुलेट करने के बाद कितने MB फाइल्स हैं सारी डिलीट कर देगा, जिससे आपका फ़ोन फ्री स्पेस हो जाएगा। और सारी कैसे फाइल डिलीट होने के बाद ये देखिए 471.1 MB हमारे में कैसे फाइल बनी हुई है। तो इसको क्लीन पे हम क्लिक करके, क्लीन नाउ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये सारा इस तरह से कुछ हमारा फ़ोन को बूस्ट कर देगा। और उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें बैटरी एनालाइजर आ जाता है, जो कि हमारे बैटरी यूजेस को सारा बताता है आपको कि कैसे हमारा बैटरी यूजेस हो रहा है। तो ये अपना एनालाइज करके आपके पावर को शेप करता है, सारा कुछ धीरे धीरे एनालाइज करेगा आपके स्टेप बाय स्टेप सारे ऐप। ये देखिए 66 ऐप हैं जो हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो नीचे देखो आप लिखा आ रहा है एक्सटेंड बैटरी फाइल, इसको क्लिक करने पे ये आपसे दो ऑप्शन पूछता है, आपको डीप सेव करना है, नॉर्मल सेव करना है। नॉर्मल सेव करना है तो आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे ये सारा आपका ऐप हाइबरनेट कर देगा, यानी कि जब आप यूज़ करेंगे जब ही ये बैटरी आपका कंज्यूम करेगा, नहीं तो बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं करेगा ये ऐप, जिससे आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्रोसेस करता है। जैसे जैसे सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए डन का ऑप्शन आ गया हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे टूल पे, जो कि हमारा है सीपीयू कूलर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन के ऐप कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो आपके फ़ोन को हीट अप कर रहे हैं या आपके चार्जिंग इशू कर रहे हैं, चार्जिंग करते टाइम हीट कर रहे हैं, वो आपको ये सारा कुछ स्कैन करके बता देगा। ये देखिए 66 ऐप शो कर रहे हैं, तो हमें कूल डाउन पर क्लिक करना है। देखिए नीचे कूल डाउन, जैसे मैं कूल डाउन पर क्लिक करता हूँ ये सारा ऐप हमारा कूल करके फ़ोन को, हमारे फ़ोन को कूल करके हमें हमारे फ़ोन को नॉर्मल मोड में कर देता है। अब हम दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे टूल पे जिसका नाम है फ़ोन बूस्ट। दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट टूल जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके सारे ऐप को जो रनिंग बैकग्राउंड में है उनको हटा के आपके फ़ोन को स्पीड अप करेगा, आपके फ़ोन को बूस्ट करेगा, ताकि आपका फ़ोन बहुत ईजली चल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। ये देखिए अब ये इस तरह से ओपन करेगा सारा कुछ स्कैन करके, तो हमें बूस्ट पे क्लिक कर देना है। बूस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऐप को, रनिंग बैकग्राउंड के ऐप को सारे हटा देगा और हमारे फ़ोन की स्पीड को इनक्रीज़ कर देगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं
जैसे ही आप उसको डन करेंगे, आपकी फ़ोन के सारे सिक्योरिटी को भी चेक करेगा, कोई ऐप आपका कोई डाटा लीक तो नहीं कर रहा है, कोई एंटीवायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम, वायरस या कोई और इशू या मालवेयर कुछ भी फ़ोन में तो नहीं है, तो ये सारा कुछ स्कैन करेगा 100%। उसके बाद अगर कोई इशू है तो ये रिजॉल्व करेगा, इशू नहीं है तो आपको वो भी बता देगा कि आपके फ़ोन में इशू है या नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए 100% कंप्लीट हो गया है। अब ये बोल रहा है ये जो ऐप हैं सारे ये डेंजरस हैं, 38 ऐप, इसको हम रिजॉल्व ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले टूल पे। अगला टूल हमारा है गिव एंटीवायरस। एंटीवायरस ये होता है क्या है कि आपके फ़ोन को स्कैन कर दिया, ऑलरेडी मैंने दिखाया था इसको, तो ये स्कैन करके सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा। उसके बाद हम अगले टूल के बारे में आते हैं, पावर सेविंग। पावर सेविंग में क्या है कि आपके बैटरी को कंज्यूम करता है जो ऐप, उसको ये रिमूव करता है और अपनी आपके बैटरी की लाइफ को इंक्रीज कर देता है। ये भी मैं ऑलरेडी इसमें दिखा चुका हूँ आपको। तो आते हैं अपने अगले ऐप के पास जो कि है गेम बूस्टर। दोस्तों ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो गेमिंग यूज़ करते हैं, गेमिंग खेलते हैं। ये इसको गेमिंग बूस्ट करने के लिए आपके फ़ोन को सुपर मोड में कर देगा, और आपके फ़ोन को सुपर मोड में करने के बाद ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐप्स, लेटेस्ट ऐप और टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।